मानसून की पहली बारिश और पटना राजधानी हुई पानी पानी, और जिसकी वजह से अब किस तरीके से हालात है आप देख सकते हैं। ये बीरचंद पटेल पथ है पटना में, और यहाँ पर बड़े बड़े राजनीतिक दल बीजेपी जेडीयू आरजेडी का दफ्तर भी है, और साथ ही कई हाईकोर्ट के जजेस का घर भी है। और पहली बारिश जिस तरीके से हुई है उसके बाद हालत देखिए किस तरीके से, जजेस के घर के सामने जो है कई जगहों पर जो सड़क है वो धस गई है। तकरीबन चार जगह पर है जहां पर सड़क धसी है। पहली आपको हम दिखा रहे हैं, यहां तस्वीर देखिए, ये जस्टिस संदीप कुमार का आवास है, और उसके बाहर यहां आप देख सकते हैं ये पहली जगह है जहां पर सड़क धसी है। और उसके बाद इस तरफ देखिए कितनी किस तरीके से यहां पर सड़क, यहां पर देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है ये सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। ये दूसरा लोकेशन आपको हम दिखा रहे हैं जज साहब के घर के बाहर, किस तरीके से यहां पर सड़क धसी है। और फिर इस तरफ देखिए ये तीसरी जगह है, यानी सिर्फ एक जज के घर के बाहर ही आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश की वजह से पूरा का पूरा ये सड़क जो है धस गया है, जिसमें एक कार भी जो है फंस गई थी, लेकिन किसी तरीके से उस कार को निकाला गया इस गड्ढे में से। और ये चौथी जगह है, और यहां पर भी देखिए किस तरीके से पूरे की पूरी सड़क यहां भी जो है धसी हुई है, लेकिन अब किस तरीके से यहां पर देखिए काम शुरू किया गया है सड़क को भरने का, क्योंकि अब ये जस्टिस संदीप कुमार का घर है तो जाहिर सी बात है प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं जिस तरीके से उनके घर के बाहर हालात हुए हैं। चार जगहों पर सड़क धसी है, उसके बाद सरकार और प्रशासन की जो है वो हड़कंप में बचा हुआ है, और इसीलिए अब यहां पर ताबड़तोड़ जेसीबी मशीन लाकर काम शुरू किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से जो है वो इस सड़क को रिपेयर किया जाए। लेकिन पहली ही बारिश में पटना के क्या हालात हुए हैं वो इन तस्वीरों से बिल्कुल साफ बयान होता है कि किस तरीके से एक बारिश भी जो है वो राजधानी पटना वो झेल नहीं पाई है। और अभी तो पूरा का पूरा मानसून का जो मौसम है वो बचा हुआ है, और एक ही बारिश में आप देख सकते हैं पटना राजधानी किस तरीके से हो गई है पानी पानी। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।